कश्मीर में एक वहाँ के नेताओं को सरकारी मेहमानबाजी की जा रही है, शाही मेहमान बनाया गया है और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया जो है वो उनकी सेवा और खिदमत के लिए लगाया जा रहा है। इसका 35 पार्टी विरोध करती है। हाल ही में ये कहा गया था, एक नेशनल पेपर की रिपोर्ट हुई थी कि 3,60,00,000 रुपया 2 महीनों में उनके ऊपर खर्चा हो चुका है। और अभी हाल ही में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी 2,65,00,000 का बिल जो है वो जारी किया है। तमाम सुविधाएं उनके जो वहाँ दी जा रही हैं और यहाँ लोगों को हिंदुस्तान में ये ढोल पीटा जा रहा है कि हमने इन नेताओं को जो है वो कैद करके रखा हुआ है। जिस तरीके से सरकारी खजाने को इस्तेमाल किया जा रहा है इनको तमाम सुविधाएं देने के लिए, उसका जिक्र एक केंद्रीय मंत्री ने भी कहा था कि उनको पूरी सुविधाएं वहां दी जा रही हैं और जो फिल्में भी वो देखना चाहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे वो हॉलीवुड की हो, वो उनको मुहैया करवाई जा रही हैं। तो जिस तरीके से एक आपने उनको पूरा फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, जम्मू के अंदर जब यहाँ के राष्ट्रवादी लोगों को नज़रबंद रखा गया तो 10x10 के कमरे में रखा गया और पूरी तरीके से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन वहाँ सरकारी खजाने को जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है सरकारी खर्चे के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। सरकार की जवाबदेही बनती है और पैंथर्स पार्टी इस लूट खसूट की और उनके साथ मिली भगत की जो सिलसिला चल रहा है कश्मीर के अंदर, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे तरीके से जिम्मेदार ठहराती है। देखिए, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर वहाँ के नेताओं को नज़रबंदी के नाम पर उनकी मेहमानबाजी की जा रही है, 5-स्टार होटल्स में उन कश्मीर के लीडर्स को रखा हुआ है और तमाम सुविधाएं जो हैं उनको मुहैया की जा रही हैं, सरकारी खजाने को जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है इन लीडर्स को सुविधाएं देने के लिए, उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मुज़म्मत करती है। हाल ही में एक नेशनल पेपर में ये रिपोर्टिंग आई थी कि 2 महीनों में उनका खर्चा जो है वो 3,60,00,000 रुपये आया और 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ही सिर्फ 2,65,00,000 का बिल जो है वो सरकार को भेजा है, जो सुविधाएं इन पॉलिटिकल लीडर्स को कश्मीर के अंदर दी गई। जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों को इन्होंने 10x10 के कमरों में 2 महीने तक बंद रखा, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से एक शाही मेहमान के तौर पर इनके रखा गया है, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रियासत और देश के आवाम को जवाब नहीं देना? यहां मुलाजमीन को देने के लिए सरकार के पास तनख्वाह नहीं है, बहुत सारे कर्मचारी जो हैं बगैर वेतन के हैं, डेली वेजेस बगैर वेतन के हैं, और इन नेताओं को कश्मीर के अंदर मुकम्मल सुविधाएं दी जा रही हैं। एक केंद्रीय मंत्री ने खुद इस बात को कबूल किया था कि उनको तमाम फैसिलिटीज जो हैं वहाँ होटल्स के अंदर दी जा रही हैं और जहाँ तक कि वो जो फिल्में भी देखना चाहते हैं, अगर कोई बॉलीवुड की देखना चाहता है तो उसको बॉलीवुड की फिल्म दिखाने की व्यवस्था की, और जो हॉलीवुड की देखना चाहता है उसको हॉलीवुड की देखना चाहता है। क्या कर रही है ये सरकार? ये मुल्क के अंदर एक ढंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने उनके ऊपर नकेल कसी है, लेकिन आप तो उनके साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं और जिस तरीके से उनकी आप खिदमत कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी कहते हैं, ये सरासर जो है आपको जवाब देना होगा हिंदुस्तान के आवाम को। और पैंथर्स पार्टी इस तरीके की जो प्लंडर हो रहा है, सरकारी खजाने की लूट आप कर रहे हैं उनके